out to be a good match, and my favorite team wins. But let's see. People mostly were saying other way around, but I think now the match is quite balanced, and let's see what happens at the end. Yep, I mean, no doubt PTV Sports has the upper hand with a huge six over mid-wicket. Jahandad showing why his name is Jahandad, showing a huge six over mid-wicket and keeping Mr. Kenny's team in the favorite seat right now with 93 runs scored so far, 9 boundaries and 2 sixes, and the second one was a huge mid-wicket one. Covered the line and slotted it away towards the mid-wicket boundary. So I guess your team is favorite right now, but throughout the tournament, was PTV Sports always been your favorite, or was it just this final year? उम्मीद कर रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स वाले, तमाम तर नजरें मरकूज हैं जहादात पे कि किसी भी लम्हे कुछ भी करने की सलाहियत रखता है ये खिलाड़ी। मोहसिन चिकनी कदमों का इस्तेमाल किया, खेल दिया स्टेट, ग्राउंड से बाहर जोरदार छक्का लगाया जहादात ने, जिस तरह मैं कह रहा था कि कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं ये, और पीटीवी स्पोर्ट्स की तमाम टीम के प्लेयर्स और ऑफिशियल की नजरें जहादात पे मरकूज हैं, क्योंकि 35 बॉलें और 55, ये देखिएगा बड़े जबरदस्त तरीके से रीड किया बॉल को, कदमों का इस्तेमाल किया और स्ट्रेट खेल दिया 6 रन के लिए ग्राउंड से बाहर। साकिब, एब्सोल्युटली अ ग्रेट शॉट एंड अ मच नीडेड शॉट बाय जहादात, फुल स्विंग ऑफ द बैट एंड मिडल्ड इट आउट ऑफ द ग्राउंड इनटू द पार्किंग एरिया, सो 56 रिक्वायर्ड ऑफ 35, स्टिल मच मोर नीडेड फ्रॉम हियर। बहुत ही समझदारी का मुजाहरा किया जहादात ने, डिफेंसिव हुए, इसी तरह की समझदारी का मुजाहरा करना होगा अगर अपनी टीम को चैंपियन बनाना है, वरना बहुत मजबूत बॉलिंग है सामने पीटीवी पेशावर की। एक दफा फिर चार्ज किया, बहुत ही खूबसूरत लेग साइड पे खेल दिया 6 रन के लिए, बहुत ही दिलकश छक्का जहादात का, जहादात ने एक और जोरदार छक्का पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही नाजुक वक्त के ऊपर ये टाइम था, रिक्वायर्ड था कि ये इस तरह की बाउंड्रीज